आज हर कोई पेमेंट ऑप्शन की बात आती है तो UPI को पहला प्रेफरेंस देता है। अगर आप भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI यूजर है तो ये खबर आपको खुश कर देगी। UPI जल्द ही और असरदार बनने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को अपनी दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की। इसी के साथ उसने UPI पेमेंट सिस्टम में जल्द ही सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट जैसा फीचर जोड़ने की घोषणा की है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। अभी आप UPI के सिंगल ब्लॉक एंड सिंगल डेबिट फीचर के जरिए OTT सब्सक्रिप्शन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी, शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं, ऑनलाइन ही होटलों की बुकिंग करते हैं, तो इन सर्विस के लिए ऑटो पेमेंट मतलब खुद से ही पेमेंट पूरा होने की सुविधा मिलती है। अब इसी सर्विस का दायरा बढ़ने जा रहा है। सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फीचर के जरिए आप अपने मर्चेंट, दुकानदार या दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए एक साथ फिक्स अमाउंट को खाते में ब्लॉक कर सकेंगे और जब भी जरूरत हो संबंधित राशि खाते से अलग अलग कामों के लिए काटे जाने की सुविधा मिलेगी। आसान भाषा में समझे तो कस्टमर जब भी जरूरत हो पैसा काटे जाने के लिए अपने बैंक अकाउंट में एक बार में धन राशि ब्लॉक करके संबंधित इकाई को पेमेंट कर सकता है। इस समय अगर आप अमाउंट को ब्लॉक करते हैं तो ये प्रक्रिया अलग अलग करनी होती है। ऑटो डेबिट की सुविधा के तहत अलग अलग रकम आपके बैंक अकाउंट से कट जाती है। RBI के अनुसार इस सिस्टम से ई कॉमर्स और अन्य निवेश के लिए भुगतान आसान होगा। बयान के अनुसार इससे लेन देन में भरोसा बढ़ेगा क्योंकि कारोबारियों को समय पर भुगतान का भरोसा मिलेगा। वहीं वस्तु या सेवाएं मिलने तक राशि ग्राहक के खाते में पड़ी होगी। वहीं अभी क्या हो रहा है ये भी जान लीजिए। UPI के जरिए फिलहाल निर्धारित समय पर होने वाले लेन देन और सिंगल ब्लॉक एंड सिंगल डेबिट की सुविधा है। मंथली बेसिस पर 70 लाख से अधिक ऑटो पेमेंट होते हैं और आधे से अधिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO आवेदनों के लिए UPI की ब्लॉक सुविधा का उपयोग किया जाता है। RBI का कहना है कि इस बारे में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI को जल्द ही गाइडलाइंस जारी किया जाएगा। वहीं भारत बिल पेमेंट सिस्टम का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इसमें अब प्रोफेशनल्स को निश्चित अवधि पर होने वाले पेमेंट, एजुकेशन फीस, टैक्स चुकाने और रेंट लेने की सुविधा को शामिल किया जाएगा। अभी BBPS के पास अलग अलग समय पर होने वाले भुगतान या व्यक्तियों को मिलने वाली राशि के भुगतान की सुविधा नहीं है, भले उसका भुगतान निश्चित समय पर करने की जरूरत क्यों ना हो। दास ने कहा कि नई प्रणाली BBPS मंच को व्यक्तियों और व्यवसायों को व्यापक समूह के लिए सुलभ बनाएगी। इससे पहले बता दें RBI की तरफ से मौद्रिक समीक्षा नीति यानी MPC की घोषणा करते हुए रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट के इजाफे की घोषणा की गई है। लगातार पांचवी बार रेपो रेट बढ़ाने से यह 6.25% पर पहुंच गया है। मई से यह पांचवा मौका है जब रेपो रेट में तेजी देखी जा रही है। इसके साथ ही RBI ने आने वाले समय में महंगाई दर के नीचे आने की उम्मीद जताई है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस रथ की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।